गुजरात के गदर में थम नहीं रहा गालियों का दौर। अब कांग्रेस नेता उग्रप्पा ने पीएम को बताया भस्मासुर। बीजेपी का पलटवार, जनता श्री कृष्ण की तरह देगी कांग्रेस को जवाब। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में रोड शो के दौरान भद्रकाली के मंदिर में की पूजा। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में किया रोड शो, जनता को किया संबोधित। गुजरात में प्रचार का आखिरी दिन, गृहमंत्री शाह ने वडोदरा में किया रोड शो। अहमदाबाद में रैली में पीएम मोदी का बयान, बोले आज भारत में हमला होता है तो हम घर में घुस के मारते। पीएम मोदी ने बीजेपी के राज में विकास पर दिया जोर, कहा 2014 में सिर्फ एक मोबाइल फैक्ट्री थी और आज हम करोड़ों फोन एक्सपोर्ट करते हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी साधा निशाना, कहा कांग्रेस के राज में सिर्फ भ्रष्टाचार होता था। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। पीएम मोदी ने गुजरात के आनंद में भी किया रोड शो, जनता को किया संबोधित। कांग्रेस नेता और गुजरात प्रभारी रघु शर्मा का बीजेपी पर हमला, कहा जनता बीजेपी से है नाराज। रघु शर्मा ने कहा एआईएमआईएम चुनाव में नहीं जीत पाएगी एक भी सीट, मुकाबला सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में श्रद्धा हत्याकांड जैसा एक और मर्डर। श्रद्धा हत्याकांड देखने के बाद रची लिव इन पार्टनर की हत्या की साजिश। चापड़ खरीदकर लिव इन पार्टनर के गले और जबड़े पर किया हमला, हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार। बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में टीएमसी नेता के घर बम धमाका, 2 लोगों की मौके पर हुई मौत, दह गया पूरा घर। आज कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक, सोनिया गांधी के घर पर शाम 4 बजे होगी बैठक। अलग अलग मुद्दों पर होगी चर्चा, पी चिदम्बरम के भी बैठक में शामिल होने की संभावना। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने के लिए भारत यात्रा पर निकलेंगे नीतीश कुमार, हिमाचल गुजरात के नतीजों के बाद बनाएंगे रणनीति। मथुरा में नाबालिग से बलात्कार के बाद हत्या, घटना के बाद परिजनों ने किया हंगामा, आरोपियों को फांसी देने की मांग, घटनास्थल पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस पर साधा निशाना, दोनों को बताया माता सीता का विरोधी, कहा कभी नहीं बोलते जय सियाराम। गुजरात के जमालपुर में रैली के दौरान रो पड़े असदुद्दीन ओवैसी, कहा साबिर को जिताओ ताकि दोबारा किसी बिल्किस के साथ नाइंसाफी ना हो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा, जी मीडिया से कहा गुजरात में सरकार बनाने जा रही कांग्रेस, इसलिए गली गली में घूम रहे हैं बीजेपी के नेता। दिल्ली का वायु स्तर खराब श्रेणी में पहुंचा, कई जगहों पर 235 AQI दर्ज किया गया, लोगों को हो रही है सांस लेने में परेशानी। यूपी के कानपुर में दर्दनाक हादसा, पुलिस ने तराजू पटरी पर फेंका, तराजू उठाते समय ट्रेन की चपेट में आया युवक, युवक के दोनों पैर कट गए। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी, सीएम योगी की रैली का मेगा प्लान, निकाय चुनाव में भी कई जनसभाएं करेंगे सीएम योगी, सीएम की 10 से ज्यादा जनसभाएं प्रस्तावित। इरफान सोलंकी ने की सीएम योगी से न्याय की गुहार, सरेंडर करने से पहले ही बना लिया था वीडियो, कहा सीबीआई जांच हो, अगर दोषी हूं तो मिले सजा। उन्नाव में कानपुर लखनऊ हाईवे पर बड़ा हादसा, 2 डंपरों में हुई जोरदार टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर, टक्कर के बाद डंपर में लग गया। लखनऊ में रेलवे लाइन के पास फ्लाईओवर का किया गया लोकार्पण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया लोकार्पण। लखनऊ के चिड़ियाघर को कुकरैल किया जाएगा शिफ्ट, 102 साल पुराना है चिड़ियाघर, प्रशासन ने चिड़ियाघर प्राधिकरण को भेजा प्रस्ताव। ललितपुर में हिंदू महिला वकील से लव जात, शादी का झांसा देकर रेप, धर्म परिवर्तन का डाला दबाव, रेप मामले में राजीनामा न करने पर आरोपी आमिर खान ने दी श्रद्धा जैसा अंजाम भुगतने की धमकी। लखनऊ में नौकरी देने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया, बेरोजगारों को बनाता था अपना निशाना। इटावा में पुलिस ने कार से 32 लाख रुपए बरामद किए, पुलिस ने कार को जब्त करने के साथ 2 लोगों को हिरासत में लिया, मामले की जारी है जांच। मेरठ में बाइक सवार बदमाशों ने लाखों की लूट को दिया अंजाम, सीसीटीवी में कैद हुई लूट की घटना, पुलिस कर रही है बाइक सवार बदमाशों की तलाश। गाजियाबाद में नाबालिग बच्ची की हत्या, गला दबाकर की गई बच्ची की हत्या, पुलिस कर रही है मामले की जांच। पटना में रिश्वत लेते इंजीनियर गिरफ्तार, 2 लाख की रिश्वत लेते इंजीनियर गिरफ्तार, इंजीनियर के घर में मिले 1 करोड़ रुपए।
कुढ़नी उपचुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, सभी दलों ने झोंकी ताकत। 5 दिसंबर को उम्मीदवारों की किस्मत, ईवीएम में होगी बंद। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में प्रचार के आखिरी दिन, दिग्गज झोंकेंगे ताकत। सीएम भूपेश बघेल चुनावी सभा को करेंगे संबोधित, रोड शो में भी होंगे शामिल। रोजगार देने के मामले में देश भर में फिर अव्वल बना छत्तीसगढ़। सीएमआईई के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में 0.1% रही बेरोजगार की दर, राज्य की नीतियों की वजह से मिली बड़ी उपलब्धि। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्राहकों को सीएम बघेल की बड़ी सौगात, खातों में ट्रांसफर की 13,46,00,000 रुपए की रकम। छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण पर लगी मोहर, विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ आरक्षण संशोधन विधेयक, राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया बिल। भोपाल के टूरिस्ट स्पॉट केरवा डैम के आसपास धारा 144 लागू, डैम में जाने वाले लोगों पर दर्ज होगा केस। भोपाल वासियों को 2 दिन करना पड़ेगा जल संकट का सामना, मनुआभान टेकरी के लाइनों में लीकेज की मरम्मत का होगा काम, कई इलाकों में नहीं आएगा पानी। ग्वालियर में कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा को 2 साल की सजा, 2014 में जमीन संबंधी धोखाधड़ी के मामले में मिली सजा, महाराजपुरा में सरकारी जमीन का किया था सौदा। मध्य प्रदेश में 5 दिसंबर से पड़ेगी कड़ाके की ठंड, मौसम महकमे ने जारी किया पूर्वानुमान, तापमान में 3 से 4 डिग्री हो सकती है गिरावट। गैंगस्टर राजू डेहट की गोली मारकर हत्या, राजस्थान के सीकर में एक बार फिर से गैंगवार, सीसीटीवी में कैद हुई गैंगवार की तस्वीरें, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने ली हत्या की जिम्मेदारी। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का पुणे में विरोध, कांग्रेस और एनसीपी कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को काले झंडे दिखाकर जताया विरोध। मुंबई में एनएसयूआई के अध्यक्ष प्रद्युम्न यादव को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जन्मदिन पर धारदार हथियार से केक काटने के मामले में किया गिरफ्तार। बॉलीवुड में सिंगर जुबिन नौटियाल हुए चोटिल, हाथों और पसलियों में लगी गंभीर चोट, सीढ़ियों से पांव फिसलने से लगी चोट। ईडी ने पीएमएलए के तहत कार्रवाई करते हुए शेयर ब्रोकरेज और वित्तीय सेवा देने वाली कंपनियों के खिलाफ की कार्रवाई, बड़ी मात्रा में सोने और हीरे के आभूषण किए बरामद। अंधेरी में रेलवे स्टेशन के सामने लगी भीषण आग, कई दुकानों में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यवतमाल में बार में घुसकर गोली चलाने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, बदमाशों ने 2 महीने में पहली बार चलाई थी गोली। मेजबानी चीनी तो एशिया कप नहीं खेलेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ने कहा भारत भले ना आए लेकिन जगह नहीं बदलनी चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रिंस विलियम से की मुलाकात, दोनों के बीच बोस्टन में हुई मुलाकात। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।